इस्तेमाल कर पाते, इनफॉर्मल भी बड़ा काम आ जाते हैं। सिक्स जो है वो है लिटिगेशन, इट कैन स्टार्ट एनी टाइम। सेवंथ इज ट्रेवल, ठीक है, और हेल्थ के साथ है लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी डेथ। सातवां ट्रेवल, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गया, एक रह गया, कौन सी रह गई? एजुकेशन, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, एसेट परचेज, एसेट परचेज से ये सब, ये इवेंट ऑफ लाइफ है। इसी के इर्द गिर्द सारी की सारी जिंदगी घूमती है, इसके सबके फॉर्मूले हमारे पास। जितनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी उतनी बड़ी आपकी उम्र होगी, लेकिन लेकिन जरूरी नहीं है ठीक है। इस पे ये सबके फॉर्मूले हमारे, ऐसे फॉर्मूले हमारे पास, छोटे मोटे नहीं है, सारे बड़े एग्जॉस्टिव है। जब वो करोगे आप, पहला जो फॉर्मूला है वो है मैरिज का कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस। तो वो जो धरातल पे जो चीज होती है उसी प्रकार से हम उसको डिफाइन करके उसको ज्योतिष में कन्वर्ट कर देते हैं, धरातल में लेके ज्योतिष में उसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते? व्हाट इज मैरिज बताएं, व्हाट इज मैरिज सर, आप बताएं शादी क्या होती है? सर आपके से ज्यादा मेरे को नहीं लगता इस पूरे जगह, नहीं सर पूरे पूरे कितने बच्चे हैं जितने बैठे हैं यहाँ पर, आपसे ज्यादा मैरिज को मेरे को नहीं लगता एक्सपीरियंस है। बताइए सर आप क्या कह रहे थे? मैंने नो कमेंट्स, दो मिनट में बदल गए हो। आपने अभी कहा कि ना करे तो अच्छा है, मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। अब आप दो मिनट भी नहीं लगे आपने कह रहे नो कमेंट्स। व्हाट इज मैरिज? यूनियन है सर, और यूनियन है किसका? बोगी और इंजन चलो कोई औरों की भी शादी हुई है औरों से पूछ सकते हैं आप, अनुत्तरित हो। दो कमेंट्स क्या ही दिया आपने, लो जी मीठा मुंह मीठा लीजिए, चलो कुछ मीठा हो जाए उसके बाद बताएं। बताइए मैडम व्हाट इज मैरिज? आपको तो बेटा यहाँ पर छोड़ के आया, अब तो आपकी मैरिज काफी मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बताओ ना मैरिज क्या? वो चाय मैडम जी आप दुबई गए थे। नहीं नहीं वो तो बात तो पुरानी हो गई, हमने मान ली बात पुरानी है, लेकिन शादी का क्या हुआ? व्हाट इज मैटर? Two family issues, partners getting together. Getting together for playing cricket. For more additional branches. Branches. कौन सी branches हैं मैडम? Main तो children ही आ जाते हैं. Mainly children आ जाते हैं. ठीक है. Children नहीं होंगे तो फिर marriage नहीं होगी. नहीं तो भी marriage होगी ना? Union of two institutions. Institution है. जैसे भारतीय, अभी मैं सुबह सुन रहा था कि भारतीय जनसंघ का जो विलय है वो भारतीय वो जनता पार्टी में हो गया था, तो जनता पार्टी अगर जो है भारतीय जनसंघ दोनों का विलय हो गया, मतलब कई पार्टी मिल गई थी 1970 के बाद, तो जनसंघ का विलय किसी के साथ हो गया किसी और पार्टी के साथ, तो वो शादी हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया ना भारतीय वो जनसंघ। मिलेंगे तो फिर क्या आया उन लगा क्या हुआ जिनकी शादी उनके बारे में तो बताओ, लड़ाई झगड़ा सर। देखो अगर आप ये कहते कि भाई शादी हो रही है और बोनट के ऊपर हम बोतल
खोल के खड़े हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने दिल से बात कर रहे हैं लेकिन आप लड़ाई झगड़े की बात क्यों कर रहे मैं समझ से बात करना लड़ाई झगड़ा ही कमाल भैया की तो बात ही मैंने नहीं पूछी मैंने तो शादी का पूछा शादी क्या आपने शादी कर दी है कोई भी अपने वो भी पुराना जोक है बोलता है सुखी विवाहित जीवन का राज आपने भी सुना ही होगा अपने आप को शेर शेर समझो और बीवी को शेर वाली माता चलिए अब मैरिज क्या है थोड़ा सा तो आपने ठीक बोला बाद में फिर उसके बाद जो है क्योंकि बात आपने दिल से करनी शुरू कर दी इमोशनल होने के बाद फिर आदमी का दिल 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 काम करता दिमाग काम नहीं करता तो फिर रास्ता कहीं और निकल गया मैरिज इज एसोसिएशन ऑफ टू पर्सन टू स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर और वो जो फैमिली जो बनती है उसको जो आप जो कह रहे हैं बार बार दो इंस्टीट्यूशन दो फैमिली उसको जो इंस्टीट्यूशन नहीं जो सोसाइटी है इंडोर्स करने आती है मैं अब पूरा बोल देता हूँ फिर उसको डिफिनेशन में बोलूंगा कि दो लोग उस समय पे एक फैमिली यूनिट बना लेते हैं मिस्टर एंड मिसेस ठीक है ना आपका शुभ नाम और भाई साहब का सुखविंदर राय ठीक है तो मिस्टर एंड मिसेस सुखविंदर राय हो गए मिस्टर एंड मिसेस राय हो गए ठीक है ना तो इससे पहले आप अलग है वो अलग है अब ये दो मिस्टर एंड मिसेज हो गए और ये सिर्फ मिस्टर एंड मिसेज मान लेने से नहीं होता इस चीज को समाज भी माने तब ये मिस्टर एंड मिसेज है नहीं तो नहीं और अब ये फैमिली बन जाते हैं फैमिली बन जाते का मतलब है कि अब इनको समाज में जब बुलाते हैं कार्ड देते हैं तो लिखते हैं मिस्टर एंड मिसेज राय आए मिस्टर एंड मिसेज राय आप यहाँ पर आए और अगर वो भाई साहब अगर अकेले चले जाते हैं तो ही इज नॉट वेलकम ठीक है ना अगर वो अपनी बहन के घर चले जाएंगे तो बहन उनको बोलेगी अंजय तू ना परजाई दे ना लाया कर नहीं तो सास बोल दिए की गन होगी दोना नहीं बनती दोना नहीं बनती नहीं देखो उनको सब एक्सपीरियंस आया ये भी पता है मैं क्या बोलने वाला शादी का नहीं पता शादी का आगे का पता शादी का आगे का पता है शादी का नहीं पता चलिए ये बात भी ठीक फिर क्या है कि इसी तरह से आप भी अपने मायके जाते हैं तो यू आर नॉट वेलकम अलोन जवाई का आना जरूरी है फॉर एनी सोशल गैदरिंग फंक्शंस एक्सेट्रा वैसे जवाई की क्या इज्जत होती है सबको पता ही है लेकिन दूसरी दुखती रह गया मैंने तो बोला ही कुछ नहीं भाई मैं तो आप लोगों शरई काफी है आपको ज्योतिषी क्लास है ये कॉमेडी शो थोड़ा ना कपिल शर्मा मलिक क्या बात है मैं तो आपको बता रहा हूँ बट इन मैरिजेस में जो असलियत दरअसल पे जो सच्चाई है मैं उसको सिर्फ बयान कर रहा हूँ मैंने तो कुछ मजाक वाली बात कही नहीं जोक होता तो मैं बताता हूँ ये जोक तो जवाई का फंक्शंस में आना बड़ा जरूरी होता है उससे जो सास ससुर की इज्जत बनी रहती है नहीं तो इसीलिए मतलब सास ससुर की इज्जत बनी रहती है नहीं तो इसकी इज्जत नहीं रहती इसलिए वो अपने जवाई की इज्जत रखते हैं ताकि उनकी इज्जत बनी रहे ठीक है ना तो ये सच्चाई है तो कहने का मतलब है कि जो मैरिज है इज एसोसिएशन ऑफ टू पीपल टू स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर विद द एंडोर्समेंट ऑफ द सोसाइटी बड़ा सिंपल सा एक लाइन थी कहनी थी आप लोगों ने आप पता नहीं कहाँ घुमा कहा गया सो सिंपल सिंपल वेरी सिंपल टू पीपल स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर
with the announcement of the sign. परिभाषा सब होगी सर. परिभाषा तो बाकी बाकी सब होंगे. Practically tough. हाँ, practically tough होगा. दुबई घूमते बड़ा आसान है. उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. आपने तो tough लग रही थी मैरिज. भाई साहब दुबई भी घुमा के लाएगा तो भी वो tough है. वो क्यों tough है? मैंने कुछ खरीदा नहीं. पहले ही कह दिया नहीं खरीदा. हम कौन सा घर चेक करने जा रहे हैं भाई? खरीद लिया हमने तो नहीं कहा कि खरीद के हमारे लिए कुछ मंगा, हमारे लिए कुछ लेकर. हमने तो मांगा नहीं. ये पहले हमें बता दिया है. देखो मैंने लिया कुछ नहीं भाई. हमने बोल दिया चलो एक बिस्कुट का पैकेट ही करा ले आते हैं. चलो कोई बात नहीं, इम्पोर्टेड बिस्कुट आइए. बेशक आप यही से खरीद लेते, चेक लगाए थे. हम सब वहां पर पूछने जा रहे हैं. जस्ट 5 रुपए की बात, ज्यादा नहीं. चलिए एनीवे वापस है. मैरिज एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ टू पीपल टू स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर विद द एंडोर्समेंट ऑफ द सोसाइटी. और जब बच्चे आते हैं तो वो यूनिट भी बच्चों के साथ ही पूरा होता है. बच्चों के होने के बाद ही बच्चे भी उसी यूनिट में शामिल होते हैं. अभी जो मैरिज है सेम सेक्स में अलाउ कर दिया, एलजीबीटी जो बोलती है नहीं, वो छोड़ देते हैं सर सेम सेक्स वाला. नहीं, बट इट इज अ मैरिज ना. नो नो, दैट इज राइट, बट दैट इज नॉट इन इंडिया, दैट इज इन वेरियस अदर कंट्रीज और स्टेट्स. तो वो करते रहे. हमारे यहाँ टू अपोजिट सेक्स उधर है सेम सेक्स. या इसको सीधा डिफाइन है टू पर्सन स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर. तो फैमिली भी स्टार्ट नहीं. नहीं, फैमिली तो होगी ना, वो मिस्टर मिसेस तो हो गए. लेकिन बच्चे होना उससे कोई मतलब नहीं. वो बच्चे अडॉप्ट भी तो कर ही सकते हैं, तभी तो फैमिली है. वो अलग, वो तो बताने पड़ता है. नहीं नहीं, वो होते हैं, वो होते हैं मिस्टर मिसेस होते हैं. आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन वो होते हैं. सर जी, अब मेरे को जो पता नहीं है, मैं कहां से पहले मैं मेरे को क्या पता है क्या दे तो पूरा दो सर. शादी से पहले जब वो अगर शादी होगी तो पुलिस पूछ लेना मिस्टर कौन है. वो कौन सर? हमारे सर, हमारे टाइम सर ठाकुर बोल रही है मैम. मिस्टर वो मिस्टर है. हां मेंशन मेरे को ये आईडिया मैं अब समझ गया. ज्ञान बढ़ा सकते हैं. अच्छा, ऐसा है कि ज्योतिष क्लास में आया करो, ज्ञान बढ़ा कर रहेगा. ऐसा हमारे यहाँ रिवाज नहीं है. टू पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स जो नॉर्मल है वो स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर विद द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी एंडोर्सेस दैट. और बच्चे भी साथ में उसमें शामिल हो जाते हैं. बच्चे हो जाते हैं, चाहे अडॉप्ट हो ना भी हो. तो अगर बच्चे नहीं आते तो फिर घर वाले मतलब समाज में जब भी आप किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं चुन्नू मुन्नू क्यों नहीं रह के आया दिस दैट. तो वेलकम तभी करते जब पूरी फैमिली हो तो ज्यादा अच्छा है. तो मैरिज का एक फॉर्मूला आया हुआ है 2, 7 and 11. 2 इज फैमिली, 7 इज एंडोर्समेंट, 11 इज गेन. दिस 7 इज एंडोर्समेंट फ्रॉम दिस सोसाइटी एंड 11 इज गेन, गेन ऑफ द फैमिली. जो आपकी फैमिली का गेन हो गया, ठीक है. इसको इच्छा पूर्ति भी कहते हैं. 11th हाउस इज ऑल्सो डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, नॉट डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर. 11th इज ऑल्सो गेन. गेन तो मैंने पढ़ाया. अगर मैंने नहीं पढ़ाया 11th, इट इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, तो वो भी आप लिख लीजिए. वो भी गेन ही है, फुलफिलमेंट. एनी डिजायर यू हैव दैट विल बी फुलफिल्ड. 11th के साथ जो भी हाउस जुड़ेगा वो फुलफिल हो जाएगा. 7 जुड़ जाएगा वो फुलफिल हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा वो फुलफिल हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा. तो आपको याद होना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप हाउस को याद करके आइएगा. 5 जो है वो लव का है, लव का गेन हो जाएगा, लव की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो जाएगी. 4 है प्रॉपर्टी की डिजायर हो जाएगी. 3 है 3 11, 3 इज फैमिली. सॉरी इंटरप्ट सर, मतलब ये 2 7 की वो है कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर 11th आ गया इसलिए जी. ठीक है, फुलफिलमेंट डिजायर होगी और उसके बाद जो होगा देखी जाएगी. अब ये कॉम्बिनेशन हाउसेस के रिजल्ट या हाउस जो है रूल नंबर 5 है. अब इसके बाद है रूल नंबर 1, 12th हाउस किल्स. ये 12वां घर जो है वो मारता है. किसको मारता है? जो भी घर है उसको मार देगा. 12th हाउस किल का मतलब एक आन खुल गया. वो भी बताऊंगा ना यार, अभी तो फॉर्मूला बनाया. अब उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो बात की बात है.
ट्वेल्थ हाउस स्किल्स, ट्वेल्थ हाउस स्किल्स का मतलब है कि आपको पता है ट्वेल्थ हाउस डेथ का होता है, बस सिंपल सी बात है, तो ट्वेल्थ हाउस स्किल्स। लेकिन उसके साथ आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है, जो ये रूल कहता है वो कहता है कि ये शरीर है तो ये जो है ये डेथ है, लेकिन ये जो हाउस है इसका ट्वेल्थ है, ये जो है इलेवेंथ हाउस है, इस ट्वेल्थ हाउस का ट्वेल्थ है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये डेथ को मारेगा, ये वाला जो है ये डेथ को मारेगा, मतलब ये उम्र को बढ़ाएगा। ट्वेल्थ हाउस जो है वो लॉस है, डेथ है, ये लॉस को मार देगा, दैट इज ट्वेल्थ फ्रॉम द ट्वेल्थ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 This is 12th from the 12th. So it will kill the losses. It will kill the losses. It will kill the death. मतलब वो उम्र को भी बढ़ाएगा, वो losses को वो खत्म करेगा, बर्बाद, negative negative positive हो जाएगा। इस तरह से ये सारे 12 हो जाएंगे। अब इससे भी कोई 12 होगा, फिर इससे 12 होगा, ऐसे ऐसे सब 12 हो। तो अब दो साथ क्या है, जो मैरिज है, ये मैरिज है, तो इसके जो 12th हैं वो नो मैरिज हो जाएगी। मैरिज का फॉर्मूला है तो नो मैरिज का फॉर्मूला जो है, सेकंड का जो 12th है वो 1 है, 7th का जो है वो 6 है, 11th का जो है वो 10 है, एक ये नो मैरिज है। ये डिवोर्स भी है, नलीफाइंग द मैरिज भी है या नो मैरिज भी है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो फर्दर भी नहीं होगी, और अगर मैरिज हो गई है तो ये मैरिज को नलीफाई कर देगा। क्यों? टू से सिंगल होना, फैमिली से वापस सिंगल होगी। जैसे मल्होत्रा लड़की, उसने चड्डे से शादी कर ली तो वो क्या होगी? चड्डी होगी। आपको तंग है चड्डे के साथ, वो बोलते सब मेरे को चड्डी चड्डी कहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 कोर्ट केस करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, और 10 एंडोर्समेंट फ्रॉम दी जज करवानी पड़ेगी कि मेरे को मल्होत्रा कर दो, मैं चड्डी नहीं रहना चाहती, सब मेरे को चड्डी चड्डी कहते हैं। तो 1 वो सिंगल हो जाएगा, वो फिर वापस मल्होत्रा हो जाएगी। डबल से सिंगल होना, 6 कोर्ट में जाना, 10 जज की स्टैंप लगवानी, ठीक है? इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, यही दो जो रूल हैं ये फॉर्मूले बनाते हैं, बस लॉजिकल फॉर्मूला कि पहले हमें धरातल पे देखना है इवेंट क्या है, फिर हमें धरातल पे देखना है कि वो उसको ज्योतिष के अंदर जो हाउसेस उसको सिग्निफाई करते हैं उसको हम ऐड कर देंगे। रिपीट करता हूँ, स्टार्टिंग मैरिज इज स्टार्टिंग ऑफ फैमिली टूगेदर विद द एंडोर्समेंट ऑफ द सोसाइटी, स्टार्टिंग ऑफ फैमिली, gain of the family 211, endorsement of the society, and divorce is becoming single, going to court, getting this stamp from the administration, getting it stamped from the administration. Sir, 2711 का ये anti communism होगा, ये anti होगा, हाँ जी, आई क्या सुख में जीवन, ठीक है? अब इसको use कैसे करते हैं? उसका number क्या है? ऐसा लाल पेन ना है, लाल पेन देखो, उसके लिए जो है हमें जनानियों के चैनल देखने होते हैं। जनानी आप कौन से चैनल देखते हैं? टीवी चैनल, टीवी चैनल सर, बड़े सारे देखती है सर। आप जनानी हो? आप मैडम हो? वो कुछ बोल भी देते उसके बच्चे? नहीं नहीं, पहले तो नहीं आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, वो बेचारी बोल नहीं पा रही है, ये बेचारी वाला आपका जो बीच में बेचारी को पता ही नहीं, मैं बता दूं, पहले जो सवाल पूछे थे, पहले जो मैंने सवाल पूछे थे वो भी दे देते दे आप, वो बेचारियां नहीं बोल पा रही। उसका नंबर है ना बस, ठीक है 8 बजे करते हैं, बताइए। जब बेचारियां नहीं बोल पा रही तो फिर क्या करें?
सास बहू और बेटियां नहीं नहीं चैनल पूछा मैडम मैंने वो प्रोग्रामिंग प्रोग्राम तो मुझे पता है क्योंकि सांस में भी कभी बदबू थी वो मुझे पता है प्रोग्राम पता है मेरे चैनल पूछ रहा हूँ कितने एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं मूवी देखते हैं हाँ कौन से होते हैं एक कलर्स पे आते हैं एक लाइफ ओके पे आते हैं मैं बता स्टार प्लस लाइफ ओके जोधा अकबर इम्पोर्टेंट उसमें क्या होता है उसमें कि जो अकबर है वो जब भी जीत जाते थे वो आपको जोधा तो उसने ऑलमोस्ट 5-7 साल के बाद डिस्कार्ड कर दिया वो एज हो गई थी उसको बढ़ गई बाकी 16-15 साल वाले तो जोधा अकबर की आज तक चल रही है हाँ वो यही होता है कि बड़े आदमी बड़ी बातें यहाँ एक को भी मैं भाई साहब बात से बात हो रही थी बोलते हैं यहाँ तो एक को भी दुबई लेके जाओ वो भी सेटिस्फाइड नहीं रहती भाई साहब फोन बोलती है थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन बोलती है कि भी बोलती है अभी कुछ खरीदारी नहीं करने दी वो तो इतना खरीदारी कर ली फिर भी कहते खरीदारी नहीं करी मैं कहे हमारे यहाँ तो बोलते कुछ भी नहीं लिया बोलते नहीं वो सूट लेके आई है ज्वेलरी लेके आई है भाई साहब जो भाई साहब बता रहे मुझे पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे आप पूछ लेना उनसे अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अब इसको यूज करते हैं विल हैव अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ दैट ताकि आपको ये पता चले कि अभी तक आपने जो किया क्या किया फिर नेक्स्ट जो क्लास है उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा और आगे चलेगा ये उसमें देखना इस चीज़ जो हमने हॉरस को बनाया इसका डेटा एंड प्लेस वो बताइए मेरे को पेज नंबर 234 है 2134 ये जो हमने बोर्ड पे बनाया ये आपको कंप्यूटर में कैसे नजर आएगा ये भी मैं दिखाता हूँ ये जो हमने बनाया ये आपको कंप्यूटर पे कैसे नजर आएगा दिस इज जस्ट कमिंग वन मिनट ऑफ समथिंग ये आपको कंप्यूटर के मॉनिटर पे ऐसा नजर आएगा ठीक है अब वो इसमें वो कलर कलर अभी थेरेपी लगाता हूँ उसमें एक मिनट नहीं नहीं वो दोनों कंप्यूटर पे यूज करता हूँ ना तो इस पे कर दिया तो उस पे बंद जाता है उस पे कर देता हूँ तो इस पे बंद जाता है तो विश प्रदीप भी वो है ना शैतान है एक एक से ज्यादा पे करने नहीं देता दोबारा बताएंगे 17 May 1985 टाइम
21, 20, 34 hours. ठीक है, ये आपके पास ये हॉरोस्कोप बन गया, ये एक मिनट इसको स्क्रीन शेयर, अब इसमें क्या करेंगे हम कि मैंने आपको क्या बताया था कि 2711 इज फॉर मैरिज, 1610 फॉर नो मैरिज और डिवोर्स। तो अब हमको अगर इस पर प्रेडिक्शन करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि इसमें टेक्नोलॉजी जो लगाएंगे वो जनानियों वाली टेक्नोलॉजी लगाएंगे, कलर्स और लाइफ होके। तो अभी जोधा अकबर कौन से आता है चैनल पे, जी पे, तो अभी इस पर लड़ाई मच की है तो उसको जी वाले चैनल को साइड बता देते हैं। तो कलर्स और लाइफ होके पे आ जाते हैं, तो उसमें वो भगवान शिव का आता है, शिव लाइफ होके पे आता है। तो हम ये क्या करेंगे, 2711 को ग्रीन कर देंगे, 1610 को रेड कर देंगे, बाकी जो है उनको ब्लैक रखेंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है प्लेनेट फॉर मैरिज। ये आपके सामने आ गए, इसमें कलर ग्रीन और रेड हो गए सर, ग्रीन वो ग्रीन हो जाएगा, जहाँ 7 और 11 होंगे वो ग्रीन हो जाएंगे, जहाँ 1 और 6 और 10 होंगे दे विल बिकम रेड, एंड दैट ब्लू आर द फ्रेंड्स ऑफ ग्रीन 5 एंड 9 एंड अदर्स 3, 4, 8, 12 विल रिमेन ब्लैक, दे आर नाइदर पॉजिटिव फॉर मैरिज नॉर नेगेटिव फॉर मैरिज, दे विल दे आर न्यूट्रल्स। तो मोर द कलर इज ग्रीन मोर द प्लेनेट इज पॉजिटिव फॉर मैरिज, सिंपल फॉर्मूला इज दिस। लाइक यू जस्ट सी देयर आर 9 प्लैनेट्स, 9 आपको इसमें बॉक्सेस नजर आएंगे अलग अलग। पहला जो बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, उसमें केतु रेड कलर का है, उसको छोड़ देना आप, रेड कलर उसका जो है उसमें केतु इज द प्लैनेट, जुपिटर इज द नक्षत्र, मर्करी इज द सब लॉर्ड। So this whole total is the box of Ketu. So you have to see in this box whether red are more or green are more. So as many as green are there, as many as red are there. So that means this planet is 50-50 for marriage. Venus is also 50-50 for marriage, as many as green are there, as many as red are there. In Sun there is no red. It is 5-9 blue, 5-9 blue, 2-11 green. That means Sun is positive for marriage 100%. Moon as many red as many green. Mars 2 red 1 green. So Mars will deny marriage. Rahu 4 red 3 greens. So totally we cannot say no, but it is weak. Jupiter is 1 green 1 red and few blue. ब्लू जो है वो फैसिलिटेटर है, इसलिए जो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इस तरह से वील बी एबल टू अंडरस्टैंड विच प्लैनेट इज पॉजिटिव विच प्लैनेट इज नेगेटिव एंड देन वी कैन कोरिलेट विद दशा भुक्ति अंतर टू सी वेदर व्हेन द मैरिज विल हैपन। नाउ आई विल गिव यू एन इजियर हॉरोस्कोप विद विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसके अंदर 50-50 टाइप्स है। बाकी जो भी है ब्लू ब्लैक है उसको छोड़ दो आप, ठीक है ना, उसको अभी आप न्यूट्रल छोड़ दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। तो दिस हॉरोस्कोप विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये हॉरोस्कोप डिफरेंट आ गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि केतु में हाउ मेनी रेड आर देयर, 3 red. How many greens are there? So the color is red, so life is not okay. Venus, how many red are there? 110, 16, 4 red, 1 green. Life not okay. Sun, how many green? 3. How many red? No red. So life is okay. So Sun is positive.
Moon, how many red, how many green? Three red. Three red, two green. Life not okay. Mars, how many green, how many red? Four red. Mars, sir. Sorry, Mars. Two red. One green, two red. One is blue. Nine is blue. Two is green. Okay. So it is life not okay. Denies marriage. इसके बाद है राहु 1-6 दिस इज रेड सो राहु डिनाइज मैरिज लाइफ नॉट ओके मर्करी 4 रेड नॉट ओके सैटर्न रेड नॉट ओके जुपिटर इज 50-50 2 ग्रीन 2 रेड सो देयर आर ओनली 2 प्लैनेट्स व्हिच आर पॉजिटिव सन एंड जुपिटर जब इनका कॉम्बिनेशन आएगा दशा के अंदर तो शादी होगी ठीक है So one is that the date of birth is 6 November 1952. So the marriage is possible in Jupiter Sun. Okay? Two planets are positive, other are negative. So marriage is positive, possible in Jupiter Sun. 7 July 21st July 1978. So 52 ka birth hai 78 ho gaya, to kitne saal ho gaya? 26 years. So this is marriageable age. मैरिज इज पॉसिबल अगर ये इन 14 दिन में नहीं 7 जुलाई 1978 टू 21 जुलाई 1978 तो फिर जुपिटर की दशा में नहीं हो सकती जुपिटर मून में नहीं होगी जुपिटर मार्स में नहीं होगी जुपिटर राहु में नहीं होगी शनि में नहीं होगी शनि डिनाइज मरकरी में नहीं होगी मरकरी डिनाइज केतु में नहीं होगी वीनस में नहीं होगी सन में होगी फिर 2046 में जब ये 96 ईयर्स की हो जाएगी तो इजी टू प्रेडिक्ट व्हेन द मैरिज इज पॉसिबल बस इतना सा काम करना है हमको आगे जो प्रेडिक्शन है वो बस इतनी सी बात सर ये अंतरा भी देख रहे हैं अंतरा को छोड़ देना है अभी तो मैंने एक, आपको एक जनरल व्यू दिया है आपको फिर दशा भी देखेंगे अंतर भी देखेंगे प्रत्यंतर भी देखेंगे तो फिर टाइम करेंगे ना किसी को हम बोलेंगे आपकी 96 साल में हो जाएगी तो 96 साल में बताना पड़ेगा ना कब होगी विद दिसंबर में जनवरी में हमें बताना पड़ेगा ना उसमें दशा भी देखनी पड़ेगी अंतर भी होगी सन तो 6 साल का अब हम बोलेंगे आपकी शादी जो है 96 से 102 इयर्स तक हो जाएगी तो इट इज नॉट अ गुड प्रेडिक्शन तो बताना पड़ेगा कि 96th ईयर में होगी 97th ईयर में होगी 97th ईयर में भी होगी तो कौन से मंथ या दो तीन महीने में होगा ये तो फिर भी एक अच्छी प्रेडिक्शन है कि आपकी दिसंबर जनवरी में होगी नवंबर दिसंबर में हो जाएगी मई में रिश्ता नहीं होता लॉक करना है ना लॉक कुछ नहीं करना होता हाँ जी देखो रिश्ता पक्का और शादी में बड़ा फर्क है सर ठीक है तो वो कर लेंगे प्राश्री इज नॉट फॉर देम वेस्टर्न ज्योति इज फॉर होमो तो इसमें प्लेनेट का कोई रोल नहीं होता सिर्फ हाउस का रोल होता है प्लेनेट का एट्रीब्यूट जैसे नहीं नहीं प्लेनेट का एट्रीब्यूट करेंगे प्लेनेट का एट्रीब्यूट ही होता है कि अगर हां जी लॉर्ड में हो या सब लॉर्ड में कहीं भी वो आ वो अभी मैं सारा क्लियर करूंगा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना हाथ से गुजर जाना धीरे धीरे अभी तो सिर्फ आपको ग्रीन रेड का बताया प्लेनेट का रोल रहेगा उसमें सिर्फ हाउस का सर मैं फिर आ गया हाँ